वहीं पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल फागू चौहान की तबियत बिगड़ गई है। IGIMS में उन्हें भर्ती कराया गया है, साथ ही बुखार और यूरिन इंफेक्शन से हैं पीड़ित। IGIMS में चल रहा है राज्यपाल का इलाज। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, पटना से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां राज्यपाल फागू चौहान की तबियत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें बुखार है और यूरिन इंफेक्शन की शिकायत भी डॉक्टरों ने बताई है। उन्हें इलाज के लिए IGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन फिलहाल बुखार और यूरिन इंफेक्शन से वो ग्रसित हैं, जिसके चलते उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो फिलहाल बड़ी जानकारी ये कि राज्यपाल फागू चौहान अस्पताल में एडमिट है, उन्हें भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। IGIMS अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, बुखार और यूरिन इंफेक्शन की शिकायत डॉक्टरों ने बताई है और डॉक्टर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की निगरानी में ही उनका इलाज किया जा रहा है और जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना भी की जा रही है। राज्यपाल फागू चौहान फिलहाल अस्वस्थ हैं, उनको बुखार हो गया है, यूरिन इंफेक्शन की भी शिकायत निकलकर सामने आई है, जिसके चलते उन्हें IGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि डॉक्टरों की निगरानी में, देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। तो बुखार और यूरिन इन्फेक्शन, इन दोनों बीमारियों को लेके डॉक्टरों ने अभी पुष्टि की है। साफ तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि राज्यपाल फागू चौहान को बुखार है और उसके साथ ही यूरिन इन्फेक्शन की भी दिक्कत उन्हें हो रही है, इसलिए उनका इलाज अभी किया जा रहा है, डॉक्टरों की देखरेख में वो फिलहाल हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान फिलहाल IGIMS अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, फिलहाल राज्यपाल फागू चौहान की स्थिति कैसी है, क्या वो पहले से बेहतर है? पिछले 3 दिनों से वो फीवर और यूरिन में प्रॉब्लम की शिकायत के कारण पटना के IGIMS में भर्ती थे। आज उनकी तबियत में अभी तक यहाँ पटना में लगातार 3 दिनों से बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखी गई, इसीलिए उनको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है ताकि जो उनका फीवर कंट्रोल हो सके और लगातार 3 दिनों से उनको जो यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन के कारण उनको परेशानी बढ़ गई थी, इसीलिए आनंद फानंद में ये निर्णय लिया गया कि बेहतर इलाज के लिए राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली भेजा जा सके। उनको कुछ देर में दिल्ली भेजा जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। जी ठीक है, आदित्य बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।